अभी बोट गाड़ी से उतर चुकी है, ये रबड़ाइज बोट है और अभी बोट खुल चुकी है। अब इसमें प्लेट सेट किया जा रहा है, इसके बाद से इसमें बीट लगाया जाएगा प्लेट में। अभी देखिए ये प्लेट पूरी तरह से सेट हो चुका, अब प्लेट में मजबूती के लिए बीट लगाया जाता है, तो अभी बीट लगाया जा रहा है। इसमें 4 बीट लगता है, अभी ये 4 बीट लग चुका है। अब इसमें हवा भरने की कार्रवाई की जाएगी फुट पंप के द्वारा। ये पूरी बोट जो है कि 4 चेंबर में बनी होती है, 4 चेंबर है यानी कि 4 पार्ट में हवा रहता है इसमें। यदि एक पार्ट पंचर भी हो जाता है तो 3 पार्ट में हवा रहेगा पूरी तरह से भरा हुआ। तो अभी 4 लोग देखिए फुट पंप से हवा भर रहे हैं इसमें। और ये लगभग हवा देखिए आप भर चुका है, पूरी बोट एकदम फूल चुकी है। अब इसमें हवा फूल हो चुका है, अब फुट पंप को निकाला जा रहा है बारी बारी चारों। और ये आप देख रहे हैं ये इंजन है, 30 HP का पेट्रोल इंजन है ये। ये 7 से 8 लीटर पेट्रोल प्रति घंटा ये पीता है। और ये बहुत ही ताकतवर इंजन है, मर्करी कंपनी का है, 30 HP का। और इस इंजन को अब देखिए आप, ये बोट पर एक प्लेट लगा होता है, उस प्लेट पे इसको फिक्स किया जाएगा नट बोल्ट के द्वारा। अभी देखिए इंजन पूरी तरह से उसमें बैठ गया है, अभी ये इसका बोल्ट टाइट किया जा रहा है। अब इंजन एकदम फिक्स हो चुका है, अभी इंजन फिक्स हो चुका है। तो अभी ये देख रहे हैं आप लाल रंग की जो पेट्रोल टंकी है, ये 25 लीटर की टंकी है पेट्रोल की। और इस पेट्रोल टंकी से एक पाइप द्वारा इंजन को और टंकी को कनेक्ट किया जा रहा है बड़ी सावधानी के साथ। अभी इस पाइप को इंजन में कनेक्ट किया जा रहा है। और अभी बोट पानी में उतर चुका है और हमारे जवान रेस्क्यू के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और इंजन को रस्सी खींच के चालू किया गया, अभी चालू हो चुकी है। और सावधानी बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए जब भी बोट में बैठें तो लाइफ जैकेट अवश्य पहने। तो अभी देखिए टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो चुकी है। अभी देखिए ये टीम रेस्क्यू करके आ चुकी है वापस, और इस बोट को अब क्लोज किया जाएगा। तो सबसे पहले इंजन को उतारा जाता है बोल्ट इसका खोल के, और अभी इंजन उतर चुका है
और इंजन को आप देख रहे हैं बगल में स्टैंड पे खड़ा कर दिया गया है, और इसके बाद से बोट से हवा निकाला जा रहा है। और आप देख रहे होंगे हवा भी लगभग पूरी तरह से निकल चुका है। उसके बाद से बीट निकाला जाएगा, फिर प्लेट निकाला जाएगा। बीट देखिए चारों बीट निकल चुका है। अब बारी वाली प्लेट, चार प्लेटें होती हैं इसमें, एल्युमिनियम की प्लेट लगी हुई है, काफ़ी मजबूत प्लेट है। इस बोट की क्षमता भी 10 लोगों की बैठने की है, तो एल्युमिनियम की प्लेट है, ये भी काफ़ी मजबूत होती है। अभी चारों प्लेट उतर चुका है और अब पूरी तरह से हवा निकाल के बोट को फोल्ड किया जाएगा। अभी बोट से हवा निकल चुका है पूरी तरह से। बोट को ऐसे ही लपेट के फोल्ड करके अच्छे से रस्सी से बांध के इसको फिर से गाड़ी में लोड किया जाएगा, और इंजन जो कि स्टैंड पे रखा गया है उसको अच्छे से स्टैंड सही थी गाड़ी में रख के और रस्सी से बांधा जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी बोट फोल्ड हो चुकी है।